तो भाई मुझे मेरे घर की सफाई के दौरान मिला मेरे पुराने प्रिंटर का एक बचा हुआ पुर्जा, जो कि है ये स्कैनर। ये ब्रदर्स का प्रिंटर है, जो कि भाई प्रिंटर तो भाई समझ गए ना। और भाई आज ये भी होने वाला है, बस इसका भी काम। तो भाई ये एकदम वर्किंग स्कैनर है, मतलब था यार। अब तो इसका प्रिंटर मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको आपको चला के तो नहीं दिखा सकता। तो हमने सोचा क्यों ना इस प्रिंटर को, मतलब इस स्कैनर को एक बार खोल करके देखा जाए कि इसके अंदर क्या है, किस तरीके से काम करता है, सब कुछ देखेंगे। एक एक पुर्जे इसको खोल डालेंगे, तोड़ डालेंगे सब कुछ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, इस वीडियो को शुरुआत से तक पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ये है वो स्कैनर। तो यहाँ पे ब्रदर्स की आप ब्रांडिंग देख सकते हो, और मैं आपको एक बार फिर से ये दिखा देता हूँ पूरा है। इसके बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे है इसके ये दो वायर्स जो कि प्रिंटर में लगते थे, तभी ये वर्क करता था। तो फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे है इसके स्क्रूज, दो यहाँ दो यहाँ। तो फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो भाई अब ये स्कैनर ओपन हो चुका है। तो अब आने वाला है इसके अंदर का सारा राज आपके सामने। ये थोड़ा सा फंसा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से बड़े ही ध्यान से निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ग्लास भी है। तो ये आ गया भाई इसका ढक्कन बाहर। तो ये रहा वो ग्लास, और ये है ऊपर का इसका मेन कवर। ये इस तरीके से कुछ खुल जाता है, दिखा देता हूँ कैमरे में मैं आपको। देखो इस तरीके से ये खुल जाता है। तो इसको हम बहुत ही आराम से साइड में रख देते हैं। तो भाई ये है इसकी मेन चीज, जिसमें यहाँ पे है वो रॉड जो इस तरीके से कुछ आगे पीछे होती थी। कोशिश करता हूँ शायद ये आगे पीछे। ओ तेरी, ये तो अब भी आगे पीछे हो रही है यार, देखो। अरे किस तरीके की आवाज कर रही है। भाई ये जो वापस में इसमें आवाज आ रही है, ये मुझे नहीं पता क्यों आ रही है आके। शायद इसके गियर में कुछ दिक्कत है इस चक्कर में। ये कुछ इस तरीके से मूव करता था, और ये जलती भी थी ये ट्यूब। भाई ये क्या निकल गया। तो ये कुछ यहाँ पे कहीं फंसा हुआ था, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने इस रॉड को इस वायर से अलग किया, ये वाली जो है सारी चीज़ें ये बाहर आ गई भाई अपने आप ही। ये रॉड भी आ गई जिस रिंग के ऊपर ये चल रही थी, ये भी आ गई। तो इसको अभी साइड में रख देते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी मैं आगे खोल पाऊँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और भाई फिर है ये यहाँ पे एक स्टील की रॉड। भाई बहुत ही मोटी स्टील की रॉड है, और भाई इससे पिटाई बहुत अच्छी होती है। भाई यहाँ पे इसके गियर्स हैं, मैं सोच रहा हूँ इसका ये वाला कंपार्टमेंट भी हम खोल करके देखते हैं। तो भाई यहाँ पे ये कुछ स्प्रिंग्स वगैरह इसमें से निकली हैं, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। ये कुछ आप देख सकते हो, ये इस तरीके की स्प्रिंग्स हैं जो बाहर निकली हैं इसमें से। यहाँ पे भी है, सभी को हम अलग कर लेते हैं अभी। और भाई अब मैं इसका ये वाला कंपार्टमेंट खोल लेता हूँ। यहाँ पे भी दो तीन स्क्रूज लगे हुए हैं, तो इनको मैं निकाल लेता हूँ। तो भाई मैंने इसके दोनों स्क्रूज निकाल लिए हैं, अब हम देखते हैं क्या ये खुल गया। ये शायद फंसा हुआ है, तो मैं इसको स्क्रू ड्राइवर के लगता है इसमें कोई और। तो भाई मैंने इसका ये तोड़ दिया, तो यहाँ पे अब एक और स्क्रू निकला है भाई। तो यहाँ पे हम फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। और भाई अब ये आ चुका है बाहर। और भाई ये एक मेटल की प्लेट है, जिसके ऊपर कुछ गियर्स और ये मोटर का कनेक्शन लगा हुआ था। तो यहाँ पे है भाई इसकी मोटर, इसका मैं वायर अलग कर लेता हूँ। भाई इसकी मोटर देखो, वाह भाई। और यहाँ पे लगी हुई इसकी कुछ पीसीबी छोटी सी, और ये वो वायर है जहाँ से इसका कनेक्शन आता है। तो भाई ये मोटर है, कुछ है क्या इसमें। तो भाई अब इसमें और कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ ये ढांचा ढांचा बचा है बस। अब इसका भाई क्या करें। तो भाई अब बात आई इसकी, मैंने आपको कहा था इसको मैं खोल के दिखाऊंगा। गाइस मैंने बहुत कोशिश करी भाई, मैंने सब कुछ इसको तोड़ ताड़ के देख लिया, इससे ज्यादा अब ये और नहीं खुल पा रही है। मैंने पूरी दम लगा दी। ये देखो यहाँ से ये प्लास्टिक ब्रेक भी हो गया इसका, लेकिन भाई ये नहीं खुली, बहुत ढीट है यार ये नहीं खुल सकती भाई अब। और तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक प्रिंटर के स्कैनर के अंदर क्या होता है, तो भाई इससे पहले आपने कभी क्या स्कैनर को अंदर से देखा है, आप हमें कमेंट में नीचे बताना।
भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल वाले घंटे को भी दबा देना। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।